Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. This is module number 262, and the topic under discussion is that what it means to use emotion to facilitate thought. हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे thought processes are linked with our emotions, feelings and moods. और इस तालु को समझकर ही हम बेहतर तौर अपने आप को develop अपने आप को ओरिएंटेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं जिस ओरिएंटेशन से हमारी क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग वो पॉलिश हो इस हवाले से याद रखिएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशंस एंड थॉट थार आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इमोशंस कैन एनहांस आवर थिंकिंग अगेन हम ये बात को फोकस में लेके आएंगे कि पॉजिटिव इमोशंस वुड एनहांस अवर पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव इमोशंस आर गोइंग टू मेक अवर थिंकिंग पोलूटेड वी हैव टू बी केयरफुल हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकें सो so दैट हमारी थिंकिंग भी पॉजिटिविटी की तरफ जाए यहाँ पर एक और बात भी जेहन में रखने की है कि इट इज नॉट ऑलवेज दैट इमोशंस आर ट्रिगरिंग थिंकिंग, बट समाइम्स इवन थिंकिंग इज ऑल्सो ट्रिगरिंग द इमोशंस नाउ रिमेंबर दैट इमोशंस कैन एनहांस अवर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एड रीजनिंग हमारे पास रीजन क्या है हमारे पास लॉजिक क्या है हमारे पास रैशनैलिटी क्या आ रही है ये सब कुछ भी इस बात का मरूने मिन्नत होगा कि हमारे पास इमोशनल डिटेल वो कैसी है हम किन जज्बात और सात से गुजर रहे हैं हमारे महसूस हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं तो ये तमाम चीजें जानना इनको समझना इनको परखना इनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए जरूरी है इट इज इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेस दैट नॉट एवरी थिंग दैट लिंक्स एमोशन एंड इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस ये बात भी हमें देखनी होगी बिकॉज जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस में एलेबोरेट नहीं हो रहे देर आर सो मेनी अदर फीलिंग्स देर आर सो मेनी अदर थॉट देर आर सो मेनी अदर इंट्यूशन विच आर देयर टू प्रिवेल एज पर अवर इमोशन आर कंसर्न सो नो डाउट हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होना है लेकिन साथ ही साथ बकिया तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस की लिस्ट को भी समझना हमारे लिए जरूरी होगा अब हमें तवज्जो देनी है अपनी फीलिंग्स और थॉट्स की तरफ इट इज सेड दैट द फीलिंग्स कैन फोकस योर थिंकिंग ऑन अ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टास्क और वहीं से हमारी सिलेक्टिव परसेप्शन भी शुरू होती है जिस चीज को हम प्रायोरिटी दे पाते हैं जो चीज हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होती है नो डाउट दैट कम्स एंड अपीयर्स इनटू आवर सिलेक्टिव परसेप्शन और वहीं से फिर हमारे कई तरह के ह्यूरिस्टिक्स भी वो डेवलप करेंगे जिनको हम जजमेंटल शॉर्टकट्स का नाम दे सकते हैं सो so, ऑल हमारे लिए प्रॉब्लम वही है जो हमें दिखे जिस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते वो हमारे लिए प्रॉब्लम की हैसियत भी शायद नहीं रखेगी एनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू एंड कैन टर्न योर टीम टू अचीविंग कॉमन गोल एंडुलटेंट चीज ये है कि दूसरों के साथ रबते में दूसरों के साथ मामला और ताल्लुका में हमें बहुत ज्यादा केयरफुल वो होना है हमें उनके अंदर एक टीम ओरिएंटेशन वो क्रिएट करनी है बिकॉज उस टीम ओरिएंटेशन के बगैर आपस में कोऑपरेशन नहीं होगी और जब कोऑपरेशन नहीं होगी तो द रिजल्ट वुड बी कंपटीशन, व्हिच इज डेफिनेटली नॉट आर डिजायर्ड आउटकम सो वी अटेंशन We have to pay attention on the details. We have to pay attention on the problem definition. We have to pay attention on our problem solving procedure. We have to pay attention on our decision making capability. We have to be careful that कर we have to कैसे कर रहे हैं और will consequences and what सकते हैं. Dear students, if we conclude this, we have to identify our values. We have to identify our emotions, feelings, cognitive aspects. सो so दैट हम अपने ख्याल को अपने जज्बात को एक रास्ता दे सकें एक डायरेक्शन दे सकें और तभी हम क्रिएटिव आइडियाज के साथ ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अबब एवरेज रिटर्न वो दे पाएंगे थैंक यू